नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दर्शकों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और मैं रमेश शर्मा एक बार फिर से आपके बीच में जीवन उत्साह 2.0 लेकर आपके बीच में आया हूं। और क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज ने हमेशा समाज में जागरूकता को लेकर कार्य करने का प्रयास किया है, हालांकि पिछले एक वर्ष तक हम बहुत ज़्यादा एक्टिवली नहीं कर पाए, हमारे चैनल से लोगों को काफ़ी उम्मीदें हैं, काफ़ी लोगों को भरोसा है हम पे, लेकिन पिछले एक वर्ष में हम लोग आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा नहीं आ पाए। इसके पीछे मैंने आपको हर वीडियो में मैं लगभग बता रहा हूँ कि कई लोग ये सोच रहे हैं कि जीवन उत्साह न्यूज़ को बंद कर दिया गया है। जी नहीं, जीवन उत्साह न्यूज़ को बंद नहीं किया गया है, बट एक साल से क्योंकि मैं व्यक्तिगत अपने पारिवारिक समस्याओं के कारण मेरी बेटी जो थी वो बीमार हो गई थी, और उसकी वजह से मैं एक साल तक उसकी देखभाल करने के लिए मुझे रुकना पड़ा और मैं पब्लिकली चैनल को नहीं चला पाया। और क्योंकि बीच में फिर सारी चीज़ें मैनेज करने के लिए, पूरे स्टाफ को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो उसकी भी काफ़ी दिक्कत हुई, तो इसकी वजह से फिर मेरा जो ऑफिस का जो सेटअप था वो भी क्लोज कर दिया, और इस वजह से आप लोगों के बीच में जीवन उत्साह न्यूज़ को प्रेजेंट नहीं कर पाया। लेकिन अब क्योंकि जीवन उत्साह न्यूज़ के वापस हम उस विषय पर आपको लेकर चल रहे हैं जहां पर राष्ट्रीय एकता बल और जीवन उत्साह न्यूज़ दो ऐसे पैरेलल प्रोग्राम जो है